दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर काफी सवाल मेरे पास आ रहे थे कि फोरम दोबारा कब से शुरू होंगे, पोर्टल सरकार द्वारा खोलेगी या नहीं खोलेगी, क्या सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है, इस पर काफी सवाल आ रहे थे। साथ ही साथ जो है पात्र परिवारों को भी गेहूं नहीं मिल रहे हैं, क्या ये समस्या और लोगों के साथ भी आ सकती है, पूरी जानकारी मैं आपको आज वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पॉइंट तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं खाद्य सुरक्षा को लेकर। जो सरकार ने आंकड़ा दिया था कि जो है 10 लाख नए परिवारों को सरकार जोड़ेगी, लेकिन वो 10 लाख परिवार पूरे नहीं जोड़े गए, 5 से 6 लाख परिवार ही जोड़े गए हैं। बाकी के जो है फोरम पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ फोरम फर्स्ट लेवल पर पेंडिंग चल रहे हैं, कुछ फोरम जो है सेकंड लेवल पर पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ समय पहले जो है लोगों के पास सरकार द्वारा एक मैसेज किया गया था, जिसमें में ये कहा गया था कि 20 तारीख तक जो है वो जिनके भी फॉर्म जो है ई मित्र केंद्र पर रिसबमिट पड़े हैं वो उन फॉर्मों को वापस कर दें, नहीं तो ये फॉर्म जो है निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी फॉर्म पूरी तरह से डिलीट कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों को लेकर कि जिनके जो है फॉर्म अप्रूव हो गए हैं, परिवार पात्र हैं, लेकिन उनको गेहूं नहीं मिल पा रहे हैं। कारण क्या है, जब भी वो डीलर के पास गेहूं लेने जाते हैं उनके सामने समस्या आ रही है। डीलर द्वारा कहा जाता है कि उनकी आधार सीडिंग नहीं हुई है, उनका आधार अपडेट नहीं है, फिंगर नहीं आ रही, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं आ रहे, कुल मिलाकर जो है आधार सीडिंग को लेकर उनको जो है गेहूं नहीं दिए जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सीडिंग को लेकर बात कर लें, सीडिंग का काम भी सरकार का होता है, डीलर खुद भी सीडिंग कर सकता है, लेकिन डीलर के द्वारा यही कहा जाता है कि आपकी सीडिंग नहीं हो रही है इसलिए आपको गेहूं नहीं मिल रहा है। बात कर लेते हैं जिनको पात्र हैं, सीडिंग की वजह से गेहूं नहीं मिल रहा है, या डीलर कहता है बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है या आपके आधार अपडेट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए आप अपने एसडीएम ऑफिस या पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर ये अपनी जो है समस्या उन्हें बता सकते हैं, ताकि वो जो है उन्हें जानकारी दे सकते हैं। बाकी जो मैं आपको बता दूं, जो आधार सीडिंग का काम है ये डीलर और सरकार का होता है, ये वही लोग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ और बातों को लेकर कि जिनके फॉर्म पेंडिंग है उनका क्या होगा। देखिए सरकार की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पोर्टल कब तक ओपन होगा या सरकार इस पोर्टल को दोबारा ओपन करेगी या नहीं करेगी। दूसरी बात, सरकार के द्वारा नए फॉर्मों को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है कि सरकार जो है नए फॉर्म लेगी या नहीं लेगी, यानी पोर्टल को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सरकार क्या दोबारा इस पोर्टल को चालू करेगी या नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं सरकार की तरफ से, यह भी कारण दिया जा रहा है कि जो है वो पात्र परिवारों को नहीं जोड़ रहे हैं, नए परिवारों को नहीं जोड़ रही है। केंद्र सरकार पीछे से सरकार को जो है राज्य सरकार को गेहूं नहीं दे पा रही है, इसी कारण जो है पोर्टल जो है बंद किया गया था, नए जो है आवेदन नहीं लिए गए थे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को गेहूं नहीं दिया जा रहा है लोगों को बांटने के लिए। तो ये कुछ अपडेट थी कि जो पेंडिंग फॉर्म है, सरकार की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है कि पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। काफी फॉर्म जो है फर्स्ट और सेकंड लेवल पर पेंडिंग है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता भी जल्दी लग जाएगी, तो इसको लेकर पोर्टल को खोलने को लेकर सरकार का अभी कोई जो है स्पष्टीकरण नहीं, और पता नहीं ये पोर्टल दोबारा सरकार खोलेगी या नहीं खोलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आती है पोर्टल खुलने की, तो उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।